नमस्कार, आप देख रहे हैं जिमसी आजकल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आस्था मीनाक्षी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो दिल दहला देने वाली घटना पर आधारित है। पिछले कुछ दिनों से एक खबर काफ़ी चर्चा में है जो है केरल से। जी हां, मैं बात कर रही हूं नरबलि ह्यूमन सेक्रीफाइसेस की, जिसपे अपनी इच्छाओं के अधीन होकर तीन लोगों ने मिलकर दो महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तमाम सबूतों और गवाहों से ये प्रमाणित होता है कि ये हत्याएं सिर्फ अंधविश्वास के कारण हुई है। तो सवाल ये उठता है कि केरल जैसे राज्य में जहां साक्षरता दर 96.2% है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है, ऐसे में इस खबर पर विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मगर यही सच है और इस सच से आप मुँह नहीं फेर सकते। आज 21वीं सदी में ऐसे घटना का घटित होना स्वीकारा नहीं जा सकता। हमारे समाज में आज भी जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं तो यह अपने आप में ही बेहद शर्मनाक है। ऐसी ही घटना जुलाई 2019 के आसपास की है। झारखंड के लातेहर में मानिका के सेमरहट गांव में दो लापता बच्चों की लाश मिली, जिसमें दोनों के सिर कटे हुए थे और लाशें बालू की ढेर में दबाई गई थी। ये दोनों बच्चे नरबलि के शिकार हुए थे। दूसरा मामला मार्च 2015 का है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी बस्तर जिले के विद्यानगर गांव से एक बच्ची की लापता होने की खबर आई, जिसकी उम्र महज 8 साल की थी और ये बच्ची भी अंधविश्वास की भेंट चढ़ाई गई थी। छत्तीसगढ़ की ही एक और घटना है जो कि अक्टूबर 2011 की है, जो कि जिले के जेलबाड़ा इलाके से है, जहां ललिता नाम की बच्ची एक दिन अचानक लापता हो गई और 7 दिन बाद उसकी लाश इलाके के जंगल से बरामद हुई। बच्ची का कत्ल इतनी बेरहमी के साथ किया गया था कि उसके कई अंग शरीर से बाहर निकल आए थे और ये सिर्फ इसलिए किया गया था कि आरोपियों के खेत में अच्छी फसल हो। वहीं नवंबर 2021 में भी छत्तीसगढ़ के भिलाई में रुआबांधा बस्ती में भी ऐसी ही घटना सामने आई। हालांकि नरबलि हमारे देश में सामान्य नहीं है, फिर भी देश के कई हिस्सों में आज भी प्रचलित है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों में 2014 से 2021 तक देश में कुल 103 अनुष्ठानिक बलिदान दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि विकास की सीढ़ियों पर दिनों दिन आगे बढ़ने वाला हमारा देश की शिक्षा और जागरूकता में क्या कमी रह गई है कि आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास के शिकार होकर नरबलि जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जिमसी आजकल न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।